हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों क्लास ट्वेल्थ का हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, और इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे परिचित लोग हैं या कोई भी हैं, सब परिचित ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और ये लोग वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करें, और उनके जान पहचान का उनका कोई दोस्त यार है उसे भी बताएं, शेयर करें। बहरहाल आज हम लोग देखते हैं आगे, तो हम लोग कूलाम्स ला पढ़े। तो कूलाम्स ला में जो परमिटिविटी आई है, जैसे एप्सिलॉन नॉट आया है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एक एप्सिलॉन आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब जो है दोनों का रेशियो वगैरह से क्या लेना देना है, तो वो हम यहां से डेरिवेशन के माध्यम से निगमन करते हैं। तो मान लेते हैं एक फोर्स है एफ, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r2। ये होता है एक इक्वेशन, ये जब दो चार्ज एयर में हो तब उनके बीच फोर्स जो होगा एफ नॉट मान लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना है। यहां लिख रहे हैं फॉर एयर, एयर के लिए ये चीज है, और यही दो चार्जों के बीच कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, कागज हो, अखबार हो, कुछ इस टाइप का, लकड़ी का बुरादा हो, लकड़ी हो, तब क्या होगा, तब फोर्स हम मान लेते हैं मीडियम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए दो चार्ज के बीच। ये फार्मूला तब है जब Q1 Q2 चार्ज r दूरी पर हो, इनके बीच में क्या हो, एयर हो, तब है। और इफ अगला है 1/4πε ओनली इंटू Q1 Q2/r2, ये इक्वेशन टू हो गया फॉर मीडियम। मीडियम के लिए मतलब दो चार्ज Q1 Q2 यही है r डिस्टेंस पर, इनके बीच क्या है, इनके बीच कोई माध्यम है, तो माध्यम है तो आपका ये फार्मूला हो गया। तो इक्वेशन वन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, तो ये देखते हैं बच्चों। तो इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा F0 upon Fm, मतलब फोर्स जब दोनों आवेशों के बीच एयर है, फोर्स जब दोनों आवेशों के मध्य मीडियम है, तब क्या होगा। तो इतना अपान इतना डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा, तो वहां 1/εO/1εϵ होता है। या और साफ इसे कैलकुलेशन करेंगे तो एप्साइलन ऊपर जाएगा अपान एप्साइलन नॉट नीचे हो जाएगा, और इसी के रेशियो को परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्साइलन आर, या इसे एक और नाम से जाना जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाए या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाए, जो इंटरमीडिएट लेवल का बुक है उसमें हर जगह डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा है, रिलेटिव परमिटिविटी की चर्चा कम करता है, यही लड़के जब कंपटीशन में जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो जो आपको फार्मूला मिल रहा है वो ये F नॉट अपान Fm, Fm मतलब मीडियम। एक चीज और मैं कह दूं, ये एप्साइलन के स्थान पर कंपटीशन वाले बुक में एप्साइलन M भी दिया रहता है, यह मतलब मीडियम के लिए थोड़ा कंफर्म हो जाए, नहीं तो यह अकेला रहता है बेचारा। तो इसे ऐसा भी अगर आप लिखना चाहो तो Epsilon M upon Epsilon naught is equal to Epsilon R या K।
तो ये आपका फार्मूला आया। ये न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये न्यूमेरिकल हो सकता है कि मीडियम का परमिटिविटी आप मीडियम दे दें, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी लिखा रहता है, एप्साइलन को एब्सोल्यूट भी लिखा रहेगा तब भी वही मतलब होता है, उसे परेशान ना हो। लेकिन रिलेटिव जब लिखा रहेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसे दो टाइप से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा आता है एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू के आ गया। तो यहां से ऐसा भी हो सकता है, अगर एफ एम यहां कर दूं, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन के। यहां से कुछ निष्कर्ष निकलता है, चाहे के लिखा जाए चाहे एप्साइलन आर लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। एप्साइलन आर का मतलब रिलेटिव परमिटी, या उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हिंदी में उसे कहते हैं परावैद्युतांक, या सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं हिंदी में रिलेटिव परमिटिविटी को। तो ये सवाल फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में परीक्षा में पूछा जा सकता है, और यही सवाल हो सकता है केवल परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बीच पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, एक तो ये हो सकता है इतना ये हो, एक हो सकता है यही सवाल, एक फार्मूला और यहां से इस रूप में भी हो सकता है। तो एप्साइलन आर इक्वल टू, या एप्साइलन आर लिखें या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखें, दोनों एक ही चीज है, ये एप्साइलन एम अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ये आपका रहा फार्मूला। तो एप्साइलन आर रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी परीक्षण पूछे, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि परमिटिविटी द रेशियो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कहा जा सकता है। या आप सेंटेंस लिखना चाहें रिलेटिव, चलो अभी मैं बाद में लिख देता हूं। तो आप लोग इतना ये पूरा उतार लीजिए, बहुत साफ सुथरा है, इसकी न्यूमेरिकल में हमें आवश्यकता होने वाला है। यहां के देखिए, तो के का मान बच्चों जो जितने सब्सटेंस है दुनिया में, के का मान जो है वायु या फॉर एयर या वैक्यूम के लिए जो है एयर आर वैक्यूम के लिए के का मान 1 होता है, बाकी दुनिया में जितने सब्सटेंस है सबके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। तो के का मान अधिक होने की वजह से जो चार्जों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा, इसकी वैल्यू या मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मान जो रखा जाएगा, अगर यहां 2 रख देंगे तो फोर्स पहले का क्या हो जाएगा 1/2 आधा हो जाएगा एफ, मतलब मीडियम का फोर्स एयर के फोर्स तुलना में आधा रह जाएगा। के का मान 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, के का मान 4 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और नोट में यहां हमें इतना ही लिखना है, तो ये इसका मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इलेक्ट्रिक के प्रभाव को कम करता है, इनके भी जो आकर्षण अट्रैक्शन और रिपल्शन वर्क करता है उसका मान कम हो जाता है, उतने गुना कम हो जाता है जितना कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है। जैसे इनके बीच अगर वाटर होता,
तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। 81 होने की वजह से 81 रख देंगे तो एफ नॉट अपॉन 81, तो फोर्स 1/81 गुना हो जाएगा, मतलब 81वां भाग रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, मतलब जितना फोर्स है उसका 81 से डिवाइड करेंगे जो बचेगा वो उत्तर आएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। तो हमें नोट में इतना ही कहना है के लिए या रिलेटिव परमिटिविटी के लिए कि इसका मान जो होता है 1 less equal के कहें या रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो है इनफाइनाइट। ध्यान दें, नोट में हमें इतना ही कहना है, ये नोट आप लिख लें। यहां मैं कह रहा हूं के या रिलेटिव परमिटिविटी का मान फॉर एयर, एयर जो होता है मेटल के लिए क्या होता है, सॉरी मेटल के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। तो कहां लिखे हम, तो चलो यहां आप लिख दीजिए फॉर वैक्यूम और एयर के का मान 1 होता है, और फॉर मेटल के लिए के का मान क्या होता है, के या रिलेटिव परमिटिविटी का मान इन्फिनिटी होता है। तो ये चीज भी आप लिखिए, मतलब फॉर एयर और वैक्यूम के लिए के या रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 होता है, और दुनिया में जितने मेटल हैं सबके लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। तो ये ध्यान दे, तो के का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स का मान घटता चला जाएगा, अगर इनके बीच कोई मेटल डाल देंगे तो फोर्स उसका के का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 फोर्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो वर्क दो चार्जों के बीच जो मैक्सिमम फोर्स वर्क करता है वो केवल वैक्यूम या एयर में ही करता है। तो कोई आपसे पूछे दो चार्जों के बीच मैक्सिमम फोर्स कब वर्क करता है, तो आप कहेंगे जब दोनों चार्जों के बीच वैक्यूम हो या एयर हो, तो सबसे ज्यादा फोर्स कार्य करता है, यही हमें आपको उतारा था। तो आप इतना उतार लीजिए, तो हाँ बच्चों डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटी पर हम लोग न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ये पहला न्यूमेरिकल ये है आपका। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ प्योर वाटर इज 81, तो कुछ भी कही रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81। ये हमको दिया, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी एक ही बात है। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी आप कहना चाहें वो कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी या इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन एम भी कंपटीशन के बुक में दिया रहता है, ये तो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बोर्ड वाले बुक में केवल एप्सिलॉन लिखा रहता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ ये। तो ये वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या दिया है, 81 दिया है। तो ये है, ये आपसे पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कितना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मान 8.85
10 टू पावर 12 इतना होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, भी मतलब यूनिट नहीं होता, ये कहने मतलब है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप तीरे गुणा करेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, केवल आप एप्सिलॉन ही लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ये हो जाएगा। तो इसको गुणा करना है, तो गुणा करने पर बच्चों आएगा 7.17 गुणे 10 टू पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों गुणा करेंगे तो हमारा समय ज्यादा लग जाएगा, आपको थ्योरी केवल समझना है। मैं तो आपको ये चीज समझाने में रहा कि बोर्ड वाले में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को ही लोग ज्यादातर यही नहीं जानते कि एक ही चीज है, दोनों एक चीज है, ये ध्यान देना है बस। रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये हुआ सवाल, आप इसे उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ईजीएफ, टू पॉइंट चार्जेस ईएफ, तो यह बराबर जो फार्मूला होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इफ दीज चार्जे आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस, मतलब वही दो चार्ज सेम डिस्टेंस पर रखे हैं इन वाटर, तो K इक्वल टू कितना है उसके लिए? K इक्वल टू 80 दिया है, K इक्वल टू 80 दिया है, तो अब फोर्स वाटर के लिए एफ डब्ल्यू मैं लिख देता हूं, तो ये है 1/4 πε0 के यहां लिख दिया जाता है इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बस हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, अगर ये एयर है तो आप मर्जी ऐसा लिख दो, तो या मीडियम के लिए यम ही केवल लिखो, वाटर एक मीडियम है तो वो मान के चलो। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू इतना बटा इतना, तो ये टोटल कट जाएगा 1/4 πε0 ये सब कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, चलो 1/4 πε0 ऐसे लिख लेते हैं, ये बटा 1/2 इतना, फिर 1/2 इतना, जैसे 1/2 / 1/3, तो कैसे लिखेंगे 1/2 / 3/1 ऐसे कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार मैं लिख दिया ताकि आपको आशंका, 4πε0 k/1, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, k बच रहा है, तो k को नीचे कर देंगे तो fm इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। तो आप कहिए ये चीज हम आप लोग क्यों कर रहे हैं, बोर्ड में थोड़ा लंबा लड़के लगाते हैं, तो मैं सोचा आपका भूल चूक सुधार कर ले, ये सवाल इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बस इतना ही काफी है बस। तो सॉरी ये फोर्स एफ दिया है, ये फोर्स एफ दिया है तो एफ ही लिखना पड़ेगा, एफ नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये आया। तो के की वैल्यू रख देते हैं, के की वैल्यू रख देंगे तो fm इक्वल टू f अपॉन 80, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यही समझाना था, तो फोर्स दो आवेशों के बीच यदि कोई मीडियम है तो मीडियम में फोर्स इक्वल टू वैक्यूम में फोर्स अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जितना मान रहेगा उतना गुना हो उतना भाग ही फोर्स बचेगा, मतलब 1/80 भाग रह जाएगा, तो 1/80 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, ये कहना है। तो आप इसे उतार लीजिए,
हाँ विद्यार्थी, आज का अगला हेडिंग है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों, तो दो चार्ज हैं Q1 Q2, ये r दूरी भी स्मॉल r कहें, हम इसे स्मॉल r कहें या जैसे मैं कह दूं मॉड वेक्टर r इक्वल टू r, दोनों एक ही बात है, ये ध्यान दिया करें। तो कह रहा है कूलाम का जो नियम आप पढ़े हैं उसको वेक्टर फॉर्म बदलिए। तो बोर्ड वाले किताब में सरल भाषा में, जो लड़के कठिन नहीं कर सकते ज्यादा तामझाम वाला, सामान्य अगर कोई लड़का ये बराबर लिखता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² ये है स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो आप जानते हैं क्या करना होता है, n कैप लगाना पड़ता है। तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में ये चीज लिखा जाएगा वेक्टर f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². अब वेक्टर स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर से गुणा करना पड़ता है। जब यूनिट वेक्टर लगा दिया अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर ऑप्शन में इस टाइप से भी लिखा है तब भी ये सही है, या इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है वेक्टर f बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² तो है, r कैप यूनिट वेक्टर के स्थान पे होता है वेक्टर r अपान मॉड वेक्टर r, मॉड वेक्टर r, मॉड वेक्टर r, r एक ही चीज है। तो जाहिर है कि ये r है तो ये r क्यूब लिख सकते हैं अगली लाइन में। तो वेक्टर f बराबर हो सकता है 1/4πε0 Q1 Q2/r³ Q2 r वेक्टर, ये भी सही है। तो ध्यान दे, तो बोर्ड वाले किताब में या बोर्ड वाले पेपर में इतना भी कोई लिख देता है तब भी उसे नंबर दिया जाएगा। कभी कभी वो पोजीशन वेक्टर के आधार पर दे देता है तो थोड़ा कठिन लगता है, और कोई बात नहीं है। तो इसे आप लोग उतार लें क्योंकि हम इसे हटाना चाहते हैं। हाँ तो हमें लगता है आप उतार लिए होंगे। अब हम इसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा जो दिया रहता है उस पर गौर करना चाहते हैं। तो इतना भी अगर आप कर ले जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं मॉड वेक्टर r और r एक ही बात है, तो ये r क्यूब हो जाएगा तो वेक्टर r यहां रह जाएगा, तो यही है। हाँ एक चीज और आपको बताना था, कभी कभी कंपटीशन बुक वाले, कंपटीशन वाले लोग ये सवाल लगाते समय बार बार हमेशा 1/4πε0 नहीं लिखते हैं। भाई क्या जरूरत है, हमें जल्दी जिनको प्रॉब्लम हल करना रहता है तो यह बराबर क्या लिखेंगे, यह इक्वल टू K Q1 Q2/r², तो थोड़ा समय बच जाएगा। तो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये भी आपके पास चलाकी होना चाहिए। भीड़ हमेशा ढोते रहते हैं हम लोग बिना मतलब, तो यह इक्वल टू K Q1 Q2/r² बोर्ड लेवल पर हमें तो न्यूमेरिकल लगाते समय समय बचाने के लिए ये के का इस्तेमाल करें, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि के के स्थान पर ही तो 1/4πε0 रखा गया, वो भी आपकी सुविधा के लिए रखा गया है, वरना के की वैल्यू भी होती है 9×10⁻¹। तो हाँ विद्यार्थी देखें, अगर हम ए से बी की ओर जाते हैं, ए से बी की ओर जाते हैं तो इसे वेक्टर फॉर्म में जो डिस्टेंस लिखा जाता है ए से बी की ओर जाते हैं तो r2 vector - r1 vector इस टाइप से लिखा जाता है। और अगर हम इसको मैं हटा रहा हूं, अगर हम बी से ए की ओर आ रहे हैं, सॉरी हाँ ठीक तो लिखा था, अगर ए से बी की ओर जाते हैं तब ऐसा लिखा रहता है, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो r2 - r1, और बी से वन की ओर आ रहे हैं अगर इधर आ रहे हैं तो ये लिखा रहता है r1 vector - r2 vector, ये क्लियर करें। फिर मैं इसे लिख दे रहा हूं, अगर हम लोग ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इसका जो वेक्टर लिखने का तरीका होता है r2 - r1 vector। अब कहिए ये कहां से आया है, वेक्टर फॉर्म में एक सरल वाला हम बदल चुके हैं, थोड़ा कंपटीशन वाला जो रहता है ये कैसे लिखा है। जैसे आपको हम पढ़ाए हैं
जैसे वेक्टर ए बी ज्ञात करना है, वेक्टर ए बी बराबर आप पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी अगर आर टू है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। और अगर मैं यही कह दूं वेक्टर बी ए कितना है, तो आप कहेंगे वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, तभी आ जाएगा वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें तो Q1 Q2 दो चार्ज है, वो r डिस्टेंस पर है, तो ये सेम नेचर का है, दोनों प्लस प्लस है, तो ये रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो यहां लिखा है F1 2 वेक्टर। तो Q1 पर जब Q2 प्रतिक्रिया, Q2 द्वारा जो बल लगाया गया उधर क्यों लगाया गया, वो इतना है। Q2 पर Q1 फोर्स F1 2 मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, या और छोटे में लोग कहते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसा कहा जाता है। तो हम इसका वेक्टर लिखना चाहते हैं, वेक्टर F12 इस लैंग्वेज में फिगर के आधार पे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये भीड़ अब न लिखो बहुत ज्यादा हो गया, के Q1 Q2 अपॉन, ध्यान दें, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब ड्यू टू टू मतलब आवेश Q2 जो है बल लगा रहा है किधर, ए पे, इधर की ओर बल लगा, तो इधर की ओर का जो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा मिल रहा है हमको, वो कितना मिला है R1 माइनस R2 मिला है। तो ध्यान दें अगर इसका लिखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस लेना होगा। हाँ यहां लिखेंगे आर स्क्वायर, तो ये लिखेंगे मॉड वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू का होल स्क्वायर, तो वही आर स्क्वायर हो गया। ध्यान दें अभी ये वेक्टर नहीं हुआ क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए आर वन माइनस आर टू का यूनिट वेक्टर यूं लिखा जाता। अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया है, अभी वेक्टर फॉर्म में हो गया है, फिर लिखें के स्मॉल लेटर में ही लिखा करें, Q1 Q2 अपॉन मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखने तरीका है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन, ये होल स्क्वायर है, अपॉन मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, सॉरी, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब ये दोनों एक ही चीजें हैं तो एक साथ कर लेते हैं, के Q1 Q2 अपान हो जाएगा मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल Q, ये वेक्टर यहाँ पे आपका लगा रहेगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये जबकि वास्तव में F बराबर वन अपान फोर पाई साढ़े नॉट या F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, लेकिन तीन घात लगा है, तो तीन घात यहाँ लगा तो यहाँ बढ़ा भी तो है। एक चीज और, ये हमारा वेक्टर F12 हो गया। ध्यान दें इसके स्थान पे ये जो है, जैसे ये मॉड वेक्टर आर लिखे हैं तो वैसे ये वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू का मॉड या वेक्टर आर टू माइनस आर वन का मॉड, ये सब आर के बराबर है, ये ध्यान दीजिए, सब एक ही चीज है डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये है पोजीशन वेक्टर के आधार पर ये चीज लिखा गया, तो ये भी यूनिट वेक्टर अगर कहीं दिया है तो ये भी सही, ये लाइन भी सही, ये लाइन भी सही है, लेकिन इसके आगे अब और नहीं लिखा जा सकता। हाँ इसके स्थान पर मैं आर क्यूब लिख सकता हूँ, ये चीज इसके स्थान पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली मैं एफ टू वन को लिख सकता हूं, अगर ये वाला लेना चाहे, इसको यूनिट वेक्टर में लिखना चाहे तो अब यहां पर Q1 के कारण फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट जो प्रयोग होगा वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 प्रयोग होगा, सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा, लेकिन हम आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं Q1 इंटू Q2 अपान ये हो जाएगा मॉड R2 माइनस R1, यहां हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स ला
इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको बोर्ड लेवल का इससे पहले हम बताया कि सामान्य भाषा में भी लिखा जाए आंसर रहे तब भी आपको टिक लगाने का ढंग होना चाहिए, पोजिशन वेक्टर के आधार पर लिखा रहे तब भी आपको टिक लगाने का होना चाहिए। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, यह वेक्टर फॉर्म हुआ। तो कूलॉम्ब के नियम को वेक्टर फॉर्म बदलना था, जिसको हम एक साफ सुथरा करके दिखा दिए, यहां आपको हर चीज कन्फर्म समझा दिए और यहां भी क्लियर हुआ, आप इसे उतार लीजिए। बच्चों वीडियो बड़ा बनाना हम ठीक नहीं समझते हैं और इसलिए हमें यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वीडियो लोग कम पसंद करते हैं। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।